हेलो एवरीवन, दिस इज पूर्वा फ्रॉम सेंट जेवियर्स कॉलेज रांची और इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कि अगर आप सेंट जेवियर्स कॉलेज रांची में एडमिशन लेना चाहते हो 12th में, यूजी में यानी ग्रेजुएशन, पीजी में या फिर वोकेशनल कोर्सेज, किसी भी डिपार्टमेंट, किसी भी स्ट्रीम में अगर आप एडमिशन लेना चाहते हो तो आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स की जरूरत पड़ेगी और कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको अभी बनवा लेने हैं ताकि फ्यूचर में जाकर आपका एडमिशन प्रोसेस जो है वो डिस्क्वालीफाई ना हो या फिर बदले में आपको एक्स्ट्रा पैसे जमा ना करना पड़े। तो सबसे पहले एक जो मेन डॉक्यूमेंट है वो है आपका कास्ट सर्टिफिकेट। कास्ट सर्टिफिकेट आपका इंटरमीडिएट वालों के लिए, यूजी वालों के लिए, पीजी वालों के लिए, सभी के लिए। यहाँ पर आपको पता ही होगा कि हमारे कॉलेज में रिजर्वेशन कोटा है, यानी SC ST BC1 BC2 वालों को थोड़ा प्रायोरिटीज दी जाती है। तो अगर आप एप्लीकेशन फॉर्म फिल करते टाइम ये भरते हो कि आप SC ST या फिर BC1 BC2 कैटेगरी से बिलोंग करते हो और मानकर चलिए आप एंट्रांस या फिर आपका मेरिट बेसिस में आपका रोल कोड आ जाता है एप्लीकेशन फॉर्म, यानी कि आप क्वालिफाई कर जाते हो एडमिशन लेने के लिए, तो आप कॉलेज में एडमिशन लेने जाते हो तो आपसे बोला जाएगा कि आपने तो फॉर्म में भरा था कि आप BC1 हो, BC2 हो, OBC1 हो, OBC2 हो। तो ठीक है, आपके पास आपका प्रमाण पत्र कहाँ है, कास्ट सर्टिफिकेट कहाँ है आपका, जिसे देखकर हम मान ले कि हाँ आपने अपने अपना एप्लीकेशन फॉर्म में सही सही भरा है, आप रिजर्वेशन कोटा का गलत फ़ायदा नहीं उठा रहे हो, तो आपको वहाँ पर अपना कास्ट सर्टिफिकेट दिखाना नहीं पड़ेगा। अब हो सकता है कि आप BC1 सही में हो, SC ST सही में हो, लेकिन अगर आपके पास कास्ट सर्टिफिकेट नहीं होगा तो उनका मानना होगा कि आप चीटिंग करके कोशिश कर रहे हो, रिजर्वेशन कोटा का गलत फ़ायदा उठाकर कोशिश कर रहे हो एडमिशन लेने की, तो आपका वहीं पर आपका एडमिशन प्रोसेस जो है आपको एडमिशन प्रोसेस से डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा या फिर आपको कुछ टाइम दिया जाएगा कि ठीक है, तो आपको इतना समय टाइम दिया जा रहा है, आप इतने दिनों के अंदर में अगर कास्ट सर्टिफिकेट अपना दिखाते हो तो आपको एडमिशन दे दिया जाएगा, नहीं तो नहीं दिया जाएगा। तो कास्ट सर्टिफिकेट इंटरमीडिएट वालों के लिए, यूजी पीजी वालों के लिए, सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ये कचहरी में बनता है। तो अभी ही जाकर अगर आपका कास्ट सर्टिफिकेट नहीं बना हुआ है तो आप अपने पेरेंट्स से पूछो कि है या फिर नहीं, और अगर नहीं है तो जाकर जल्द से बनवा लीजिए। इसके बाद दूसरा इंपॉर्टेंट सर्टिफिकेट है आपका इनकम सर्टिफिकेट। अगर आप जनरल कैटेगरी से हैं तो कोई बात नहीं, आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन इसके अलावा अगर आप दूसरे कैटेगरी से हैं तो इनकम सर्टिफिकेट भी अपने पेरेंट्स से जाकर पूछिए आपका है या फिर नहीं। अगर नहीं है तो कास्ट के साथ साथ आप एक ही बार कास्ट और इनकम दोनों के लिए जाकर अप्लाई कर दीजिए। ओके, तो चलिए अब यहाँ से मैं आपको अभी इंटरमीडिएट वालों का बता रही हूँ ये कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको ज़रूरत पड़ेंगे। इसके बाद मैं आपका यूजी और पीजी वालों का अलग से बताऊँगी। तो यहाँ पर इंटरमीडिएट वालों को जो डॉक्यूमेंट्स चाहिए वो है आपका स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट, कैरेक्टर सर्टिफिकेट, एडमिट कार्ड 10th का आपका, मार्कशीट आपका 10th का, माइग्रेशन सर्टिफिकेट 10th का, प्रोविजनल सर्टिफिकेट आपका 10th का। और ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपको आपने जिस किसी भी स्कूल से पढ़ाई करी है आपको वहीं से मिलेंगे। तो आपको आफ्टर आपका रिजल्ट आउट हो जाता है, जब आप पास आउट हो जाते हो तो आपको अपने स्कूल से जाकर ये सारे डॉक्यूमेंट्स ले लेने हैं। उसके बाद आपका कास्ट सर्टिफिकेट, यहाँ पर अगर आप SC ST BC1 BC2 हो तो ही बनवाना है, अगर आप जनरल हो तो आपको कास्ट सर्टिफिकेट बनवाने की कोई ज़रूरत नहीं है। इसके बाद है बैप्टिज्म सर्टिफिकेट, यानी कि ये कैथोलिक स्टूडेंट्स के लिए है। इसके बाद है आपका आधार कार्ड, तो ये इंटरमीडिएट वालों का डॉक्यूमेंट्स था, ये सारे डॉक्यूमेंट्स की आपकी ज़रूरत पड़ेगी। अब इंटरमीडिएट वालों के बाद मैं आपके यूजी और पीजी वालों का डॉक्यूमेंट्स बताती हूँ। तो यहाँ पर आपका ओरिजिनल 10th सर्टिफिकेट शोइंग नेम, फादर्स नेम एंड DOB है आपका, ये 10th का सर्टिफिकेट ओरिजिनल चाहिए आपका। फिर आपका स्कूल या फिर कॉलेज लिविंग सर्टिफिकेट एंड माइग्रेशन सर्टिफिकेट चाहिए ओरिजिनल, यानी 12th में का आपका माइग्रेशन सर्टिफिकेट स्कूल लिविंग CLC जो होता है वो चाहिए आपका। देन आपका करेक्टर सर्टिफिकेट चाहिए ओरिजिनल। इसके बाद आपका मार्कशीट चाहिए, जेरोक्स का 2 copies। उसके बाद है एडमिट कार्ड आपका 12th का। देन आपका मेडिकल सर्टिफिकेट ऑफ फिटनेस चाहिए। इसके बाद रीसेंट कलर फोटोग्राफ्स चाहिए स्टाम्प साइज में आपका। फिर आपका इनकम सर्टिफिकेट है एंड देन आपका कास्ट सर्टिफिकेट है। इनकम और कास्ट आपको तभी बनवाना है अगर आप SC ST BC1 BC2 से बिलोंग करते हो। इसके बाद आपका एंटी रैगिंग डिक्लेरेशन है, तो यह इसके लिए आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, यह आपको कॉलेज से ही मिलेगा। इसके बाद आपका आधार कार्ड मैंडेटरी है एंड इसके बाद लास्ट में आपका इंस्ट्रक्शन ब्रिंग ऑल द ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स फॉर वेरिफिकेशन, यानी कि जब आप एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर रहे होगे
तो आपने जो भी डॉक्यूमेंट्स के बारे में फिल करा है वो सब आपका ओरिजिनल आपको ले जाना है कॉलेज, जब आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है. ओके, तो ये सारे कुछ डॉक्यूमेंट्स थे जो आपको अभी बनवा लेने हैं, रेडी रखने हैं हमेशा अपने साथ. बाकी अगर कुछ दिक्कत हो तो आप मेरे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो. और रही बात एडमिशन रिलेटेड नोटिस की, तो स्टे कनेक्टेड ऑन माई चैनल. जैसे ही जेवियर से रिलेटेड कुछ भी अपडेट आता है न्यू एडमिशन को लेकर, मैं आपको सबसे पहले अपने चैनल पर इन्फॉर्म कर दूंगी. बाकी स्टे कनेक्टेड. थैंक यू.